नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लोकसभा की 25 सीटें जीतने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान में गहलोत सरकार बनने के बाद केवल 2 महीने में एक के बाद एक योजनाएं लागू कर हर वर्ग के मतदाताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। गहलोत सरकार ने की तैयारियां पूरी। लोकसभा की 25 सीटों को लेकर गर्मा गर्मी। गहलोत सरकार ने सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की। पिछले 2 महीनों में कई योजनाएं की लागू। राजस्थान कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की। किसान बेरोजगारी भत्ता, आरक्षण जैसे मुद्दों को मिला फायदा। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को टारगेट पर रखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले जन घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसको कांग्रेस ने सत्ता में आते ही तत्परता दिखाते हुए गहलोत सरकार ने ज्यादातर घोषणाओं को पूरा कर लिया है। बहुत हद तक गहलोत सरकार जनता में ये संदेश देने में कामयाब भी हुई है कि वो वादा खिलाफी नहीं करेगी। 2 महीने हो चुके हैं हमारी सरकार को कार्य करते हुए, और इस दौरान हमने हमारे जो घोषणा पत्र में वादे किए थे प्रदेश की जनता से, उन पर काम किए। उस दौरान किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हमने जो वादे किए उनमें अमल किया, और आने वाले समय में हमारे जो घोषणा पत्र है उसके अनुरूप ही हम कार्य करेंगे। और मात्र जुमलेबाजी नहीं करके प्रदेश की जनता के हित में कार्य करेंगे, और जो हमारा घोषणा पत्र है। गहलोत सरकार ने योजनाओं को लागू कर जिस तरीके से आम लोगों के लिए रास्ते खोले हैं, उसी तरीके से केंद्र भी अपनी घोषणाओं को जल्द से जल्द टाइम बाउंड तरीके से पूरा करेगा। सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए जरूरी 101 विधायक ही ला सकती है। इनमें से भी एक विधायक गठबंधन दल का है। ऐसे में गहलोत सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही कमर कसते हुए अपने वादे पूरे करना शुरू कर दिए हैं, ताकि कांग्रेस जो बीते लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई थी और उपचुनाव में उसे 2 सीटें मिली थी, इस संख्या को वह बढ़ाकर कम से कम 20 तक लाया जा सके। जानकारों की माने तो गहलोत इन वादों को पूरा कर प्रदेश में हर तबके और अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और आरक्षण संबंधी बड़े वादों को पूरा कर गहलोत सरकार ने प्रदेश के कई तबकों और एक साथ साधने का काम किया है। किसान वर्गों को मिला फायदा। कुल 30 लाख किसानों को कर्ज माफी का सीधा फायदा। किसानों को 5 साल तक बिजली बिल नहीं बढ़ाने की घोषणा। प्रत्येक लीटर दूध पर 2 रुपए का बोनस देकर 50 लाख पशुपालकों को फायदा। ओबीसी वर्ग को मिला फायदा। ओबीसी वोटरों की संख्या सबसे अधिक। ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई। महिला वर्ग को मिला फायदा। विधानसभा में 33% महिलाओं के आरक्षण के लिए संकल्प पारित। प्रदेश में महिला शिक्षा को पूर्ण तरीके से किया गया निशुल्क। प्रदेश की 2,30,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। युवा वर्ग को मिला फायदा। बेरोजगारी लड़कियों को 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा। पुरुष युवा बेरोजगार के लिए 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। इस योजना से 1,60,000 युवा लाभान्वित होंगे। बीपीएल वर्गों को मिला फायदा। प्रदेश में 1,74,00,000 बीपीएल और स्टेट बीपीएल। 1 रुपए किलो गेहूं देने का फैसला। स्वर्ण वर्गों को मिला फायदा। केंद्र की तर्ज पर 10% आर्थिक पिछड़े स्वर्णों को आरक्षण। गुर्जरों को मिला फायदा। गहलोत सरकार ने आरक्षण बिल कराया पास। गहलोत सरकार ने गुर्जर मतदाताओं को पक्ष में लिया। दिव्यांगों को मिला फायदा। सरकार सेवा में दिव्यांगों को मिला आरक्षण। गहलोत सरकार ने 30% से बढ़ाकर 4% किया। सीनियर सिटीजन को मिला फायदा। वृद्धावस्था पेंशन, 75 वर्ष से अधिक आयु वालों की
750 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए, 75 वर्ष से कम आयु वालों की वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए, निशुल्क दवा योजना का मिला फायदा, पुरानी निशुल्क दवा योजना को दिया महत्व, कैंसर मरीजों जैसी गंभीर बीमारियों का निशुल्क इलाज की घोषणा। बहरहाल गहलोत सरकार ने सीधे तौर पर हर वर्ग के लिए लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में जनता कितना समर्थन करती है। न्यूज़ इंडिया के लिए जयपुर से रहमतुल्ला खान की रिपोर्ट।